हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज जो रेसिपी मैं आपके से शेयर करने जा रही हूँ वो है इंस्टेंट ढोकला। इंस्टेंट ढोकला आप घर पर कैसे बनाएं वो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। जो मैं कंपनी यूज़ कर रही हूँ वो अग्रवाल कंपनी का खामन ढोकला है, ये देख सकते हैं आप। ये मेरी कंपनी है जो मुझे लोकल मार्केट में अवेलेबल थी। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं जो भी आपको लोकल मिल सके। इसको मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इंस्टेंट ढोकला आप घर पर कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऊपर चढ़ा दिया है, उसमें 2 कप पानी डाल दिया है। इसे मैंने मीडियम फ्लेम में रख दिया है, इसे हम थोड़ा प्री हीट कर लेंगे। अब हम इसमें ये स्टैंड डाल देंगे। दो कप पानी डाल देना है आपको और ये स्टैंड डाल दीजिए और इसको प्री हीट कर लीजिए। तब तक आप बैटर बना लेंगे। तो आपका बैटर है वो हम बनाएंगे। तो मैं ढोकला का बैटर डाल रही हूँ पहले इसमें। इस ढोकले के बैटर में मैं 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दे रही हूँ। अब पानी डालते जाएंगे, आप देखते जाएं जितनी जरूरत हो उतना ही पानी डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। फेंट लीजिए आप अच्छे से, कहीं भी लम्स नहीं होने चाहिए। पानी और डाल रही हूँ। आप ये बैटर देख सकते हैं, मैंने ना मीडियम आंच पे कर दिया, लो टू मीडियम आंच कर दीजिए। ये मैंने बैटर को बहुत ही अच्छे से मिला दिया है, ये देख सकते हैं आप कितना फूला फूला बना है। ये आपको इसको अच्छे से फेंटना है जिसमें इसमें कई भी लम्स ना हो। ये देखिए कितना अच्छा ये बैटर बना है, फ्लफी बैटर है हमारा। ये देखिए, तो ये इंडिकेशन है कि अब हमारा बैटर अच्छे से रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप कहीं पे भी एक भी लम्स नहीं है। अब क्या करेंगे आप? तो कुकर के अंदर मैं इसको डालूंगी, तो इसको अच्छे से हम ग्रीस कर देंगे रिफाइंड ऑयल के साथ। अच्छे से हर जगह आपको ग्रीसिंग करनी है। हर किनारे किनारे हर जगह से आपको अच्छे से इसको ग्रीसिंग कर देंगे। तो मैंने इसको ग्रीस कर दी है। अब ये जो बैटर हमने बनाया था डाल देंगे। इस बैटर को हमने डाल दिया है, इसको मैं थोड़ा टैप कर दूंगी आपके कुकर गर्म होगा। ये मैंने इसको डाल दिया है। अब इसको वो 20 मिनट हो चुके हैं उसको, अब मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक मैं उसका यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया है, उसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। रिफाइंड ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। उसमें मैं थोड़ी राई डाल दे रही हूँ। देखिए राई छटकने लग गई हमारी। अब हम इसमें कुछ कड़ी पत्ता डाल देंगे, ठीक है, जो मैंने बीच में काट दी है। अब
को ज्यादा काला मत कर दीजिएगा, हल्का हल्का करना है आपको। हरी मिर्ची आपकी अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। चीनी डाल दे रही हूँ मैं इसमें, 2 चम्मच चीनी मिला देंगे। पानी मैंने 1 से 1.5 कप पानी मिलाया है, आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं। एक से 1.5 कप के आसपास है मेरा पानी। और 3 चम्मच चीनी डाल दी है। तब तक हम ये तड़का बनाएंगे, हमारा जो वो ढोकला है वो ठंडा हो जाएगा और पानी को हम थोड़ा पका लेंगे। चीनी भी इसमें पिघल जाएगी और पानी को में भी उबाला आ जाएगा। इसमें हमें चीनी को पिघला लेना है और पानी में उबाला ला देना है। कढ़ी नहीं करनी है, बस ढोकले को पानी सोक करना है। ये देखिए, जैसे वो हम लोग 3 तार की चाशनी बनाते हैं, वो सब चाशनी नहीं बनानी है हमें। अब ये बन गई है, पक गई है, इसकी गैस में बंद कर दे रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, बन के देख सकते हैं कैसे, ऐसे ही हमको बैटर चाहिए, जो पानी हमें चाहिए ना वो ऐसा चाहिए ना। आप ये देख सकते हैं ये बन गया है, मैंने ठंडा होने के लिए रखा था ना, अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। बाहर डाल दिया, ये देख लीजिए कितना अच्छा बना है ये। इसको मैं आराम से इसमें हम इसको पलट दूंगा, थोड़ा हल्का हल्का आप इसको टैप कर दीजिए, ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि इसमें हमने रिफाइंड ऑयल लगाया था। इसको आप हल्के हल्के हाथ से थोड़ा थोड़ा टैप करिए, ये पीछे थोड़ा गर्म है तो इसलिए मैं थोड़ा कोने की हेल्प से कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कहीं से नहीं चिपका, इतना सॉफ्ट है। ये देखिए, आप देख सके हो तो इसमें देखिए दाने दाने कैसे आए हैं और इसकी परत देखिए ऊपर कितनी अच्छी परत आ गई मलाई जैसी, और इसमें कितने अच्छे दानेदार आपका ढोकला बनकर तैयार हुआ है देखिए, और कितना सॉफ्ट है। अब मैं इसको काट ले रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी है तो आपको काटने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कट गया है, मैं इसको काट लिया है, तो ये दानेदार है, सॉफ्ट है, स्पंजी है, इसके ऊपर जैसे ढोकले की परत होती है वैसे परत भी आई हुई है, सॉफ्ट भी है, स्पंजी भी है और दानेदार है, तो ये बिल्कुल बाजार जैसा ढोकला बनकर तैयार हो। अब हम इसमें ये जो हमने बनाया है
का जो बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है और धनिया के साथ इसको गार्निश कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ऐसे बना है, ये पूरा बाजार जैसा बना है, आपको घर पे लगेगा ही नहीं कि आपने घर पे बनाया है। तो आप इसको प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।